मैं जानता हूँ तुम क्या करने के मूड में हो, आई मीन पोटी करने के मूड में हो, अभी अभी सो कर उठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, कब तक, आखिर कब तक। एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये खुद चलने के काबिल हो जाएंगे, यानी भागने के, दीवार के ऊपर चढ़ने के काबिल हो जाएंगे, तो ये चले ही जाएंगे। सत्रह जून 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 3 से 4 दिन हो गए, थोड़ा सा मौसम स्टेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म लू नहीं चल रही है और ना ही धूप में वो हीट है जो कि कुछ दिन पहले थी। अभी टेम्परेचर इसका तकरीबन 35 डिग्री है और 7 दिन पहले तकरीबन 47 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर था। अभी तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैंने ग्रीन नेट की एक लंबी सी ये पट्टी थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, ये 80% वाला है, यानी 80% ये धूप को रोक लेता है, 20% धूप को छन कर नीचे भेज देगा, मतलब नीचे शेडी एरिया बन जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये लगा दूँ क्योंकि गार्डन में बहुत बुरा हाल होने वाला था, क्योंकि हमारे स्नोम के पौधे बहुत ही जल रहे थे, इसके पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्निंग आ रही थी। तो मैं नहीं चाहता था मेरे ये पौधे मर जाए, क्योंकि ये शेडी एरिया वाले पौधे हैं, थोड़ी सी ठंडक में रहते हैं। हमारे अमरैंथस के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर हो रहा था इसका, पत्ते इनके फीके पड़ रहे थे, तो शेडी एरिया बनाने से थोड़ी सी राहत इनको मिल गई। मेरे गार्डन में गर्मी का बहुत बुरा असर नहीं हुआ पौधों के ऊपर, क्योंकि मैं पानी अपने हिसाब से देता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारा एलिफेंट ईयर एक वाहिद एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर गर्मी का जल्दी असर होने लगता है, धूप हो ना हो, गर्म लू, गर्म हवा चलने की वजह से भी इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। लेकिन हमारा दूसरे और कोई भी पौधे के ऊपर बुरा असर नहीं हुआ है गर्मी का। दिन का राजा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये एक छतरी सी बन गई है। अगर इसको मैं अभी यहाँ से और भी 1-1 इंच पूरा पौधा ऊपर से हर टहनी को 1-1 इंच काट दूँ, तो जहाँ से मैं काटूँगा वहाँ से फ्यूचर में 2 से 3 टहनियाँ निकलेंगी, तो हमारा पौधा और भी ज़्यादा बुशी अंदाज से ग्रोथ करेगा, तो नीचे शेडी एरिया बन जाएगा, यानी ये एक दरख्त का इम्पैक्ट देगा हमें। जो फूलों वाली बेलें थी उनकी ग्रोथ भी हो रही है, डेजी वाइन की ग्रोथ हो रही है, लेकिन डेजी वाइन को अभी तक कोई फूल नहीं लगा है और ना ही ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है, ये स्लोली स्लोली आराम से ही ग्रोथ कर रही है। गार्लिक वाइन की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी थी, 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ, इसके जो अब ये जो टहनी है ये मोटी हो रही है और इसके साथ जितने भी पत्ते थे वो खाली हो गए हैं, यानी पत्ते झड़ गए हैं, सिर्फ टहनी ही है। और जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे हुड के ऊपर बहुत सारा इन पत्तों का जाल बिछ चुका है। इसको वाइट कलर के फूल भी लगे थे पिछले दिनों में, मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी, अब देखिए ये फूल है लेकिन इसके अंदर से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। इसने अब अंगूर की बेल को भी अपनी लपेट में ले लिया है, ये अंगूर की बेल है और उसके बीच में इसके पत्ते भी आ गए हैं, टहनियाँ इसकी ट्विस्ट हो रही हैं उसके साथ में, तो ग्रोथ ओवरऑल चल तो रही है। मैंने सोचा था जून के महीने तक हमारा ये पूरा हुड पत्तों से कवर हो जाएगा। हमारी ये रेलवे क्रीपर वाइन भी, मतलब यहाँ से इसने ग्रोथ की, यहाँ पर डब्बा है उसके अंदर ग्रोथ करती करती ये ऊपर मैंने चढ़ा दिया और अब ये यहाँ तक आ गई है, लेकिन इसने बहुत तेज़ी के साथ ऊपर हुड को कवर नहीं किया। उसकी रीज़न ये है क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो धूप में पौधे ग्रोथ करते हैं वो भी थोड़े से स्लो हो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अंगूर की बेल की ग्रोथ तो वहीं की वहीं रुक गई, अभी इसकी नई ग्रोथ बरसात के दिनों में फिर से शुरू हो जाएगी। धूप का असर तो इनके पत्तों के ऊपर भी होता है, इनके पत्तों के ऊपर भी बर्निंग आने लगती है, जलने लगते हैं धूप ज़्यादा होने की वजह से। वैसे भी ये बेल ज़मीन के अंदर नहीं लगी हुई क्योंकि ज़मीन मेरे पास है ही नहीं। अभी हमारा फार्म हाउस का काम तकरीबन रेडी हो जाएगा 2 महीने तक, तो वहीं पर फिर ये हम पौधों को शिफ्ट करेंगे, वहीं पर वीडियोज़ भी बना करेंगी, वहीं पर पौधे ग्रोथ करेंगे। मेरे इस टेरेस के ऊपर यानी छत के ऊपर बहुत कम पौधे होंगे, सिर्फ ऐसे पौधे होंगे जिनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, धूप में कम पानी मिल जाए या बरसात में ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी पौधों को जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे पौधे मैं यहाँ पर रखूँगा। बाकी ज़्यादातर अपने पौधे सारे शिफ्ट कर लूँगा अपने फार्म हाउस में। फार्म हाउस का अभी मैं एड्रेस आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे ही कम्प्लीट होगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो कहाँ पर है और आप आना चाहें तो वहाँ पर आ सकेंगे। तो ये क्यारी के अंदर लगी हुई है, इसकी रोज़ मिट्टी खुश्क हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि एक दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो मैं पानी इसमें नहीं दे पाता, जिस वजह से पत्तों के ऊपर पानी की कमी होने की वजह से इनके पत्तों पर बर्निंग आने लगती है, पत्ते इनके ब्राउन होने लगते हैं, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा धूप लगने की वजह से पत्तों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है। अगर टहनियों के अंदर पानी कम होगा तो फिर पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी।
इसलिए पत्ते खुश्क हो रहे हैं। हमारी रंगून क्रीपर यानी जुमका बेल की ग्रोथ भी हो रही है। 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, फूल खिल भी गए हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अभी इस बेल को ज़रूरत थी किसी चीज़ के साथ में सपोर्ट देने की, यानी एंकर करने की, किसी रस्सी के साथ बांधने की, ताकि ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ सके, क्योंकि ये क्लाइंबर नहीं होती। क्लाइंबर मीन ये खुद ब खुद ट्विस्ट होके रस्सी के साथ या बांस के साथ ऊपर नहीं चढ़ सकती, हमें इसको बांध बांध कर ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ताकि ये फिर ऊपर चढ़ जाए तो फिर ये एक दूसरे की टहनियों के अंदर ही घुस कर ग्रोथ कर लेती हैं, तो ये ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करती रहेंगी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको पौधे को बहुत ही एहतियात के साथ ऊपर वाली साइड पर चढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पर आप उसको ले जाना चाहते हैं। जो क्लाइंबर होती हैं, यानी खुद ब खुद ट्विस्ट हो जाने वाली बेल, जिस तरह हमारी ये गार्लिक वाइन थी, ये ट्विस्ट हो जाती है, जिस तरह ये रस्सी के साथ देख सकते हैं किस तरह इसने अपने आप को लिपेट लिया है और ऊपर वाली साइड पर चढ़ रही है। तो कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो क्लाइंबर नहीं होती, वो क्रीपर होती है, यानी ज़मीन के ऊपर फैलने वाली। तो ये रंगून क्रीपर भी ज़मीन के ऊपर फैलने वाली झाड़ी बनने वाली है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इसीलिए लगाते हैं ताकि अपने घर के बाहर क्यारी के अंदर इसको लगा दें और आपके घर का जो फ्रंट होता है वहाँ पर उसको रस्सियों की मदद से एक मरतबा ऊपर चढ़ा दें, तो फिर ये आपकी छत के ऊपर तक चढ़ जाती है, वहीं पर पत्ते हर सीज़न में आते रहेंगे, फूल भी लगते रहेंगे। लेकिन पहली बात, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसको पानी की भी कमी हो जाती है। रोज़ ही जब से मैंने ये ग्रीन नेट ऊपर लगाया है, पानी की कमी नहीं हो रही इसको, क्योंकि धूप सीधी सीधी यहाँ पर नहीं आती, इसलिए मिट्टी थोड़ी सी गीली रहती है। और इसीलिए पौधे की नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है, ये नए पत्ते भी आ गए हैं, कलियाँ भी लगना शुरू हो गई हैं, रूट बाउंडिंग भी हो गई है इस 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर, क्योंकि ये एक बेल है। बेल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। वक्ती तौर पर कुछ महीने या एक साल के लिए पौधे की ग्रोथ गमले के अंदर तो हो सकती है जो बेल वाला है, लेकिन एक टाइम आएगा जैसे जैसे ऊपर से उसकी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे रूट बाउंडिंग हो जाएगी, पत्ते आना कम हो जाएंगे, पीले होने लगेंगे, तो फिर पौधे की ग्रोथ बहुत हद तक स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब कि पौधे की रूट बाउंडिंग हो गई है गमले के अंदर। फ्लेम वाइन की ग्रोथ भी 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर ही लगाया हुआ है मैंने इसको, लेकिन इस बेल को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसकी मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क नहीं होती है, हल्की सी मॉइस्चर इसके अंदर बना ही रहता है, जबकि ये रंगून क्रीपर से यानी जुमका बेल से ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है और ये ऊपर वाली साइड पर भी चढ़ रही है। लेकिन वही बात, ये भी क्लाइंबर नहीं होती है, ट्विस्ट नहीं होती, इसलिए इसको रस्सियों के साथ में हमें बांध कर एक मरतबा हमें ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। जब ये खुद के ऊपर वाली साइड पर चढ़ जाएगी फिर वो लेफ्ट राइट बहुत सारी ब्रांचेस निकालती रहेगी, तो हमारा ये हुड कवर हो सकता है, लेकिन पहली मरतबा इसको ऊपर तो चढ़ाना ही पड़ेगा हमें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, मैं ट्विस्ट कर देता हूँ इसको किसी रस्सी के साथ में, ताकि ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही जाए। थंबर्जिया की ग्रोथ भी हो रही है, वो भी थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर ही बेल लगी हुई है, लेकिन अभी इसको एक भी फूल नहीं लगा है। ये है क्लाइंबर, यानी जो भी चीज़ इसके सामने आएगी वो उसके साथ खुद को ट्विस्ट कर लेगी और ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है, पत्तों की शेप बहुत खूबसूरत लगती है इसकी, लेकिन पत्ते थोड़े से खड़ूस होते हैं, इसके होते मुलायम हैं लेकिन काफ़ी सख्त पत्ते हैं, जिस तरह नकली पत्ते हों। तो गर्मी का इफेक्ट तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही है, लेकिन धूप में गर्मी में इसकी ग्रोथ होती है। इसने भी हुड को अपनी लपेट में ले लिया है और साथ में गार्लिक वाइन के साथ ही ट्विस्ट हो गई है और ऊपर वाली साइड पर ये ग्रोथ कर रही है। अब मुझे तो यही लगता है कि आने वाले साल तक हमारा ये जो हुड है इसको हमारी बेलें कवर कर लेंगी। और एक डिब्बे के अंदर हमने बटरफ्लाई पी, जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं, वो बेल, और साथ में साइप्रस वाइन भी लगाई हुई है। जो ये बारीक बारीक से पत्ते हैं ये साइप्रस वाइन हैं, और जो बड़े पत्ते हैं वो बटरफ्लाई पी के हैं। इसको नीले रंग के फूल लगते हैं और उसके बाद में मटर की तरह का वहाँ से फ्रूट निकलता है जिसके अंदर बीज होते हैं। बिल्कुल देखने पर ऐसा लगता है जिस तरह मटर हो, लेकिन अभी फूल लगे थे इसको, एक दो फूल लगे थे, अभी मौसम आएगा बरसात के दिनों में इसको ज़्यादा फूल लगेंगे। तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है, इसने भी हुड को ऊपर से कवर कर लिया है, लेकिन ये सीजनल बेल होती है, सर्दी के दिनों में ये मर जाती है, इसलिए ये परमानेंट नहीं है, 12 महीने हमारे पास नहीं रह सकती। जैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड आएगी ये इसके पत्ते पीले हो जाएंगे और उसके बाद में ये बेल मर जाएगी। समटाइम हो सकता है कि ये बाहर के दिनों में दोबारा ग्रोथ शुरू कर दे, लेकिन मोस्टली यही होगा कि ये सर्दी के दिनों में मर जाती है, बाहर के दिनों में हमें दोबारा से बीज लगाने पड़ेंगे। और प्लम बागों को मैंने फुल धूप वाले एरिया में रख दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर शेडी एरिया बन गया है। पहले यहाँ पर रात की रानी का पौधा पड़ा होता था, उसको ज़्यादा गर्मी की वजह से उसके पत्ते बर्न हो रहे थे। ये हैं उसके पत्ते, आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग करें या ना करें, मौसम जैसे ही स्टेबल होगा यानी बरसात के दिन आएंगे तो नई ग्रोथ इनकी शुरू हो जाएगी, पत्तों को काटें या ना काटें। लेकिन जब इनके पत्तों की इस तरह हालत हुई हो, मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा नहीं देना आपने, क्योंकि ये पानी को जल्दी ले नहीं पाएंगी जब पत्तों की ग्रोथ ना हो रही हो। तो प्लम बागों की ग्रोथ भी हो रही है, फूल तो रुकते ही नहीं हैं,
वक्त के साथ साथ जब भी देखो फूल लगे होते हैं इनको। ये बेल नहीं बनती, बुशी अंदाज से ये बढ़ती है और बढ़ती बढ़ती ये बहुत लंबी भी हो सकती है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कैसी शेप आप देते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको मैंने इसके हाल पर छोड़ दिया हुआ है। जब हमारी नर्सरी, हमारा फार्म हाउस कम्प्लीट हो जाएगा, ये वहीं पर जाएगा। और बेलोक्रून गुटाटा फूल देखिए, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये भी ऐसी बेल है, यानी ऐसी बुशी बेल है जिसकी मिट्टी के अंदर से जल्दी पानी खुश्क नहीं होता, यानी ये बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करती। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये पौधा आपका पीला होकर सूख जाएगा। इसके फूल, इसके पत्ते इसी तरह निकलते रहते हैं, लाल लाल रंग के गुच्छे लगे होते हैं जैसे फूल हों। तो इनकी ग्रोथ भी यहाँ पर हो रही है। जो गुलदाउदी के पौधे हमने ग्रो बैग के अंदर लगाए थे, इनके ऊपर भी हल्का हल्का सा इफ़ेक्ट आ रहा है, धूप का, पत्ते जल रहे हैं। लेकिन जब से मैंने ग्रीन नेट का ऊपर शेड किया है, अब जो नए पत्ते आ रहे हैं वो जले हुए नहीं हैं। एक पौधा हमारा छोटा रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बरसात के दिन आने वाले हैं, इसकी ग्रोथ भी दोबारा से बढ़ने लगेगी। जो बोनसाई हमने ईंटों के टुकड़ों के अंदर लगाया हुआ है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, दोबारा से इसको फ्रूट लगना शुरू हो गया है। ये गोल गोल चेरी टाइप फ्रूट आप देख सकते हैं, पत्ते भी नए आ रहे हैं। ओवरऑल इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और ये फुल धूप वाले एरिया में मैंने इसको रखा हुआ है, लेकिन मैं जो नीचे प्लेट पड़ी हुई है इसके अंदर पानी हर वक्त भर के रखता हूँ, ताकि पत्थर इसके गीले रहें और जड़ें वहीं से पानी को लेती रहें। हनी सकल को भी मैंने धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये धूप में अच्छी ग्रोथ करता है। हनी सकल एक चेरी टाइप इसको फ्रूट भी लगता है। पहले नीले रंग के फूल लगेंगे, उसमें से खुशबू भी निकलेगी और देन वो फूल फ्रूट में बदल जाता है। लेकिन अभी इसको फ्रूट नहीं लगा है, अभी इसकी ग्रोथ ही हो रही है। इसको फ़िलहाल के लिए इनके हाल पर छोड़ा हुआ है। मैं अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा इनको अरेंज नहीं कर रहा हूँ, सेटिंग मैटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर पौधे शिफ्ट हो जाएंगे हमारे फार्म हाउस पर, वहीं पर इनकी केयर भी हुआ करेगी, वहीं पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। जैस्मिन प्लांट की ग्रोथ भी यहीं पर हो रही है और बहुत बुशी अंदाज से अब ये बढ़ गई है। वक्त के साथ साथ इसको फूल लगते रहते हैं। ये पत्ता मॉर्निंग ग्लोरी का है, ये जैस्मिन का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैस्मिन, मॉर्निंग ग्लोरी सारा कुछ बीच में ही एक साथ ही ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, पत्ते नए आ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास नर्सरीज पर ये वाली बेल नहीं है, यानी चंबेली की बेल, ओरिजिनल चंबेली की बेल नहीं है किसी के पास, तो मेरे पास मौजूद है। जब हम अपने फार्म हाउस पर शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत सारे पौधे तैयार करूँगा, ए लेयरिंग के थ्रू, पोर्ट लेयरिंग के थ्रू कलमे लगाऊँगा, देन मैं सेल करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक हम वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाते, मैं इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास छत के ऊपर इतनी जगह नहीं है। अगर जगह मैं बना भी लूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कलमे लगा नहीं पाऊँगा, क्योंकि गर्म मौसम है और ऊपर से हुड को कवर भी नहीं किया हुआ मैंने, तो कलम कामयाब नहीं हो पाएगी, वो गल जाएगी या फिर सूख जाएगी। क्योंकि जून के महीने की गर्मी आप जानते हैं और जुलाई के महीने की गर्मी बहुत सख्त होती है। मेहंदी का पौधा मैंने लास्ट ओवरव्यू के अंदर आपको दिखाया था, जब इसको फूल लगे हुए थे। आप देखिए, फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से ये बीज भी बन गए हैं, ये देख सकते हैं। अब ये उगेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सीड पॉड हरे रंग का है। जैसे जैसे ये ब्राउन हो जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर सीड भी पकना शुरू हो जाएंगे, तो हम अगर लगाना चाहें बीज से तो लगा सकेंगे। छिपकली वेन, जिसको आईवी वेन के, जिसको आईवी वाइन भी कहते हैं, ये दीवार के साथ चिपक जाती है। पिछले दिनों यहाँ पर एक दरवाज़ा लगाया होता था मैंने लकड़ी का, वो मैंने उखाड़ा, तो उसके साथ में ये ग्रोथ कर रही थी। लकड़ी के ऊपर इसकी टहनियाँ भी चढ़ी हुई थी, उसके साथ ये एंकर थी, ये देख सकते हैं, ये भी रूट्स हैं, तो लकड़ी के ऊपर रूट्स ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी, तो मैंने इनको उखाड़ दिया। तो पौधे की ग्रोथ अभी भी नहीं रुकी है, ये जल्दी ग्रोथ इसकी नहीं रुकती। इसको कुछ ऐसी दीवार का ऐसा हिस्सा मिल जाए या लकड़ी मिल जाए, खुरदरी सी जगह हो, बिल्कुल मुलायम जगह ना हो, वहाँ पर ये ग्रोथ करती रहेगी और अपने आप को बढ़ाकर पूरा वो एरिया ही कवर कर देगी जो जिसके ऊपर ये चढ़ गई है। तो इसकी भी हम कलमें लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि बरसात का मौसम नहीं है अभी। तो पमी स्टोन के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया था, ये देखिए जी, मैंने कलमें और लगा ली हैं। ये मैंथोल की कलमें हैं। मैंथोल वो पौधा जो पुदीने की ही एक वैरायटी होती है, जब इसका पत्ता मुंह में डालें तो मुंह एकदम ठंडा हो जाता है। इसकी काफ़ी डिमांड है, मैं जितने भी तैयार करता हूँ वो सब टाइम से पहले ही सेल हो जाते हैं। मैं इनको छोटे गमलों के अंदर तैयार करता हूँ, ये देखिए 3 से 4 कलमें मैंने लगाई होती हैं, तो गर्मी का इफ़ेक्ट इनके ऊपर भी आ रहा है। पत्ते आप देख सकते हैं हल्के हल्के से जल रहे हैं, इनको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत है। तो इनकी कलमें मैंने लगा दी हैं, और ये देखिए जनाब, मैंने सीडम को भी इसी पॉटिंग मिक्स के अंदर ही लगा दिया है। ये पौधे नहीं थे, बल्कि ऐसा कलमे मैंने पौधों को लगाया है। ये मदर प्लांट था, यहाँ से मैं इनकी टहनियों को काटता रहा और इसके अंदर लगाता रहा। ये जो पत्ते हैं ये भी रूटिंग शुरू कर लेते हैं, इनकी ग्रोथ इन्हीं पत्तों के थ्रू ही शुरू होती है। एक पत्ता आप लगा देंगे इस होल के ऊपर,
और मॉइस्चर बना रहेगा तो इस एरिया से दो चीज़ें निकलेंगी, एक रूट निकलेगी एक शूट निकलेगी। रूट मिट्टी के नीचे चली जाएगी, शूट पौधे की सूरत लेकर जिस तरह ये फूल खिले हुए इसी अंदाज से पत्ते निकलने लगेंगे तो हमारा पौधा जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा धूप वाली गर्मी में इसको दिक्कत होती है, ये मर भी जाता है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा पानी मिले तो ये गल जाता है। पमस्टोन, कोयले और काली राख, इसके अंदर मॉइस्चर हल्का हल्का सा बना रहता है। मैंने कल ही पानी दिया था इनको, अभी तक आप देख सकते हैं इनके अंदर नमी मौजूद है और इनके अंदर पानी जमा भी नहीं है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अभी अवेलेबल है, स्टॉक लिमिटेड ही होता है मेरे पास, जल्दी ही स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो आप ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकेंगे। पमस्टोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। ये देखिए जनाब, और भी नकली पौधे ये लग रहे हैं, ये वही कोलियस के पौधे हैं जिनको हमने बीच से लगाया था। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि 3 से 4 मैं वीडियोस बना चुका हूँ। पहली वीडियो के अंदर हमने सीड लगाना सीखा था, पौधों को ट्रांसप्लांट करना सीखा था, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि ये पौधे किस तरह हम इनको कलमों के थ्रू लगा सकते हैं और पौधे हमारे किस तरह बुशी बन सकते हैं। तो ये मदर प्लांट है जो कि बीच से लगाए हुए पौधे थे, इनको मैंने ऊपर से काटा और एज़ आ कलमे मैंने बहुत सारे पौधे लगाए। यहाँ से मैंने काटा और देखिए ये 2 शूट्स निकल आई, मतलब 2 टहनियाँ बन गई। अगर मैं यहाँ से इसको अब काटूँगा तो यहाँ से भी 2 निकलेंगी, तो इसका मतलब एक पौधा आपका बहुत ज़्यादा बुशी अंदाज से ग्रोथ कर सकता है अगर आप टाइम से कलमे उसकी काटते रहें तो। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही लगता है जिस तरह नकली पौधा हो, नकली गमला पकड़ा हो मैंने, लेकिन ये एकदम रियल पौधा है। लेकिन इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है, यहाँ पर धूप तो आती है, तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक की धूप यहाँ पर आती है, उसके बाद यहाँ पर शेडी एरिया बन जाता है। और एक जो ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ था वो कंप्लीट शेडी एरिया में ही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। 5 इंच का ये ग्रो बैग है, इसके अंदर भी पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और बुशी अंदाज से कर रहे हैं। और ये देखिए जनाब, एक को तो फूल लगना भी शुरू हो गए हैं, ये लंबा सा एक फूल निकलेगा, इसके अंदर बहुत सारे बीज भी बनेंगे। पहले फूल खिलेंगे उसके बाद इसके अंदर बीज बनेंगे, यानी कोलियस के पौधे के बीज हम लगाना चाहें तो जब ये सूख जाएंगे, जिस तरह बेजिल फैमिली का पौधा होता है ना, जिसको लेमन बेजिल कहते हैं, या फिर तुलसी का पौधा, या फिर न्याजबो का पौधा, जब उसको बीज लगते हैं तो वो भी इसी अंदाज से लगते हैं, उसी तरह ये जब खुश्क हो जाएंगे हम इनके बीज निकाल कर स्टोर कर सकेंगे। इनकी बहुत सारी कलमें लगाई थी, सबसे पहले मैंने कलम आपको लगाकर जो बताया था वीडियो के अंदर वो ये रही, एक कलम मैंने काटी थी और इस गमले के अंदर लगा दी थी। इसकी रूट्स देखिए, मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया, इसी गमले के अंदर लगा रहा है, इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसको फूल लग गए, कलियाँ लग गई, आप देख सकते हैं इसके आगे बहुत सारे फूल के गुच्छे लगे हुए हैं। जब ये खिल जाएंगे इनके अंदर से बीज भी बन जाएंगे। और इनके अलावा और भी बहुत सारी कलमें लगाई थी मैंने गमलों के अंदर, तो इनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो कलमें आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मौसम का आपने खुद लिहाज रखना है। मौसम जब होगा तो हर पौधे की ग्रोथ होगी, हर मौसम के हिसाब से हर पौधा ग्रोथ नहीं करता। जिस पौधे को जो मौसम पसंद है उसी हिसाब से चलेंगे तो अच्छा ही नतीजा पाएंगे आप। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको ये टाइम टू टाइम पता लगेगा, जैसे जैसे मेरी वीडियोस बनती जाएंगी, जैसे जैसे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जान जाएंगे आप। मौसम का भी पता चल जाएगा, एक टाइम आएगा आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि नर्सरीज़ वाले इस तरह की चीज़ें नहीं बताते जैसा कि मैं खुल कर आपको बताता हूँ। हमारे पीस लिली के पौधे देखिए जनाब, फूल तो लगे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसका एक स्पैथ, इसको स्पैथ कहते हैं, ये फूल नहीं होता, स्पैथ होता है, हो सकता है इसके अंदर बीज भी बनते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बीज बनते होंगे, ये डिवाइड होता है। पप्स देगा, ये ज़मीन के अंदर से ही बहुत सारे पौधे साथ साथ में निकलते हैं, उनको एक एक को निकाल कर सेपरेट करना पड़ता है। एक पौधा लेकर आया था तकरीबन मैं 2.5 से 3 साल पहले, या हो सकता है इससे थोड़ा सा पहले लेकर आया हूँ, तब मैं 300 रुपये का एक छोटा सा पौधा लेकर आया था जो एक मरतबा मरने लग गया था, क्योंकि मुझे इसकी केयर के बारे में पता ही नहीं था। मैं इसको नॉर्मल पौधे की तरह ही पानी देता था, लेकिन इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। जब इसको ज़्यादा पानी मिलने लगेगा तो ये नीचे से गलने लगेगा। तो जैसे जैसे मुझे पता चला कि इसकी केयर कैसे करनी है, तो वैसे वैसे पौधे मेरे पास मल्टीप्लाई होने लगे। तो पीस लिली को गर्मी के दिनों में धूप में रखने की गलती मत कीजिएगा, अगर आप धूप में रखेंगे तो ये एक हफ़्ता भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। अगर ये एक मरतबा भी स्ट्रेस में आ गया तो सारे के सारे पत्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सब जल जाएंगे, हो सकता है कि रूट्स गल जाएं, हो सकता है कि वो नीचे से दोबारा से ग्रोथ भी शुरू कर दे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा पौधा एक मरतबा पूरा ऊपर से गल गया था, मर गया था, तो मैंने पानी देना कम कर दिया, यानी तकरीबन बंद कर दिया, तो ज़मीन के अंदर से बारीक सा एक शूट निकला तो वही पौधे की सूरत ले गया, और उस एक शूट ने मुझे इतने सारे पौधे बना कर दिए। अमरेलिस के बहुत सारे पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे इस बैग के अंदर, कोकोपीट भरकर, कोकोपीट और कोयले भरकर,
तो मैंने इसको पहले अपने टेबल के ऊपर ही रखा, कुछ दिन वहीं पर पड़ा रहा। सुबह चिड़ियाँ, सुबह के टाइम चिड़ियाँ आती थी और इसको नोचती थी, तो कुछ पौधे हमारे मिट्टी से बाहर निकल आते थे, वो खा कर उसको उड़ जाती थी या वो पत्ते वैसे ही पड़े रहते थे। काफ़ी सारे प्याज वो पड़े पड़े नीचे ही ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। सभी की ग्रोथ जो लगाए थे तकरीबन शुरू हो चुकी है। इनमें से कुछ पौधे हमारे मर गए होंगे, चिड़ियों ने नोच कर उखाड़ दिया। मिट्टी से जब हट जाता है पौधा तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है उसको। और कीवी का पौधा जो कि सीड से हमने लगाया था, इसको एक प्याले के अंदर मैंने लगा दिया था, इसकी ग्रोथ बहुत हद तक स्लो है लेकिन हो रही है। इसको मैंने शेडी एरिया में रख दिया है ताकि यहाँ पर गर्म लू ना आए, गर्म लू आएगी, धूप आएगी तो ये स्ट्रेस में जा सकता है। बाकी दूसरे टेरेस पर चलते हैं। दूसरे टेरेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है जनाब, कुछ गर्मी की वजह से और कुछ बिल्ली के बच्चों की वजह से। इस जगह पर बिल्ली के बच्चे अभी भी मौजूद हैं, बहुत तबाही मचाते हैं। हमारी यहाँ पर बेलें लगाई हुई थी मैंने, सब्जियों वाली तोरी की बेलें लगाई हुई थी, उनको भी उखाड़ दिया, मतलब तोड़ दिया उनकी टहनियों को। यहाँ पर करेले की बेल भी थी, खीरे की भी थी, वो भी इन्होंने ख़राब कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मुलायम, कितनी प्लेन जगह हो रही है। यहाँ पर वो खेलती हैं, मिट्टी को एक जगह पर इकट्ठा कर देती हैं, पोटी कर देती हैं, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देती हैं। बहरहाल काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे तंग किया हुआ है। हमारी मिर्च के पौधे लगे होते थे यहाँ पर, मेरी मिर्च के पौधों को लेकर लोग बहुत परेशान रहते थे कि गर्मी में भी और सर्दी में भी मिर्चें तो लगी ही रहती हैं। आप कहते हैं कि मौसम का लिहाज रखा करें, आपके पौधों को मिर्चें कैसे लगी होती हैं? तो जनाब देख लीजिए, अभी तो ये सब के सभी तकरीबन ये मर गए हैं। असल में ये मौसम का इफेक्ट होने की वजह से नहीं मरे हैं, बिल्लियाँ आकर इनके ग्रो बैग्स के ऊपर बैठ जाती थीं। जो पानी मिलता था वो कपड़े के बाहर वाली साइड पर गिर जाता था, क्योंकि ये कपड़ा है, ग्रो बैग है, तो ये बैंड लेकर कपड़ा तय हो जाता है नीचे वाली साइड पर, तो जैसे ही पानी देते हैं वो फौरन बाहर निकल जाता है, मिट्टी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से सारे पौधे ऊपर से सूख गए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक दिन मैं अगर ना भी पानी दूँ तो पहले तो पौधे बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी तो डेली बेस पर वैसे भी मैं पानी नहीं दे पाता हूँ, किसी दिन टाइम मिल जाता है तो डेली पानी दे देता हूँ, कभी टाइम नहीं मिल पाता। तो हमारे मिर्च के पौधे मोस्टली तकरीबन सारे के सारे ही खुश्क हो चुके हैं, मिट्टी खुश्क हो चुकी है, तो मैंने इनको कुछ दिन पहले ही काट कर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। तो मिर्चें तो 12 महीने ही लगती हैं अगर आप मेरे मेथड के साथ चलते रहें तो। वो क्या मेथड है, बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने बहुत बार बताया। असल में अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देखी और एक महीने के बाद आकर दोबारा से कोई वीडियो देख ली तो आपको सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे दिमाग में बातें आती हैं मैं हर वीडियो में कोई ना कोई टिप ज़रूर शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ देखते रहेंगे तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे और सब कुछ पता भी चलता रहेगा, कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, कैसे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो आम का पौधा वो भी ग्रोथ कर रहा है, इसको मैं खास ख्याल रखता हूँ, लेकिन ये कम से कम 1 से 2 दिन भी इसी तरह पड़ा रहे तो इसकी मिट्टी खुश्क नहीं होती। उसकी वजह ये है कि इसकी ऊपर से ग्रोथ नहीं हो रही। अगर इसकी ऊपर से पत्तों के थ्रू ग्रोथ हो रही होती, टहनियाँ निकल रही होती, तो इसको बहुत पानी की ज़रूरत होती, मिट्टी तकरीबन कुछ घंटों के अंदर ही खुश्क हो जाती, जिस तरह हमारी मोरिंगा के पौधे की खुश्क हो जाती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे, पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वैसे भी जून के महीने की गर्मी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो पहले तो ये एक हमारा आम ये पर्पल रंग का हो रहा था, अब ये दूसरा भी यहाँ पर लगा हल्का हल्का पर्पल हो रहा है नीचे से, और पीछे वाला भी इसी तरह हल्की हल्की लाली उसके ऊपर भी आ रही है। एक हमारा आम अभी हरे रंग का ही है, मतलब टोटल इसको 4 आम लगे हुए थे और अभी भी 4 आम ही लगे हुए हैं। इनकी जो ये टहनियाँ हैं ये सूख रही हैं, गर्मी का इफ़ेक्ट होने की वजह से बर्निंग भी आ रही है, लेकिन मैं फ्रूट को अभी उतार नहीं रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से भी ये बर्निंग आ रही है यहाँ पर, तो इसकी नई टहनियाँ नहीं आई, नए पत्ते नहीं आए, वही पिछले साल वाले पत्ते हैं। जब इसका फ्रूट उतर जाएगा तो फिर इसका सारे का सारा फोकस अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में होगा, यानी नई टहनियाँ नए पत्ते आने में। फिलहाल के लिए तो सारा ध्यान इसका अपने फ्रूट के ऊपर है कि इसके अंदर हमने रस पैदा करना है, इसका साइज बड़ा करना है, इसके अंदर पानी मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए या खटास होनी चाहिए, सारा कुछ पौधे की बारीक सी टहनी के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है। ये बोझ कब तक रहेगा, जब तक इसको मैं उतार नहीं लेता, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी जनाब इस टेरेस के ऊपर का हाल आप देख सकते हैं, इसका हाल काफ़ी हद तक बुरा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हमारा फार्म हाउस बन जाएगा ज़्यादातर पौधे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। शहतूत का पौधा देखिए, इसकी मिट्टी भी ज़्यादा खुश्क हो जाती है। अभी ये बिल्ली के बच्चे बाहर निकल आए हैं और इसके पीछे भी हैं, ये देखिए ये बिल्ली का एक बच्चा है जो कि ऊपर चढ़ जाता है इस नेट के ऊपर और चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ जाता है। तो काफ़ी शरारती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए और मेरे पौधों के लिए भी, लेकिन कोई बात नहीं, कब तक, आखिर कब तक।
एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये खुद चलने के काबिल हो जाएंगे, यानी भागने के, दीवार के ऊपर चढ़ने के काबिल हो जाएंगे, तो ये चले ही जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है तब तक ये काफ़ी नुकसान भी करेंगे। कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, डरना कभी नहीं और ना ही कभी घबराना है। अखरोट का पौधा, उसकी भी काफ़ी बुरी हालत करते हैं ये। इसके ऊपर मैंने तार भी राउंड में इसके तार मैंने डाल दी है ताकि इसका जो ये कपड़ा है ये ज़्यादा बैंड ना हो और पानी थोड़ा सा इसके अंदर स्टोर भी रह सके, क्योंकि मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अखरोट का पौधा मैं चाहता हूँ इसको बड़ा करके देखूँ, उसको मैं फार्म हाउस पर ले जाऊँगा, वहाँ पर ज़मीन के अंदर लगा दूँगा, देखेंगे लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से इसकी ग्रोथ चलती है या नहीं, यानी इसको अखरोट भी यहाँ पर लगेगा या नहीं। पौधा तो बन गया, ये बीज से लगाया हुआ पौधा, यानी अखरोट मैंने लगाया था, अखरोट से जब पौधा बना तो उसको मैंने ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट किया। अनार की ग्रोथ हो रही है, अनार थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया, उसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया है, रेडनेस भी आ गई, लेकिन अभी मैं इसको नहीं निकालूंगा, उतारूंगा नहीं, इसको मैं बरसाती मौसम में उतारूंगा, देखूंगा तब तक थोड़ा सा और साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाए। इस गमले के अंदर भी बिल्लियाँ काफ़ी काम ख़राब करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कब तक, आखिर कब तक। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के पौधे भी लगे हुए हैं, लोग पूछ रहे हैं आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे इतनी गर्मी में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपके सामने हैं, कोई ख़ास केयर नहीं है, मिट्टी के अंदर भी देखिए पानी बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होता है। ये क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कर रहे हैं। असल में मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी कि आपने गर्मी के दिनों में पौधों को बचाना है तो उसको पानी कम दें, चाहे मिट्टी खुश्क हो जाए आप पानी कम दें, फिर ही आपके पौधे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में गमलों के अंदर मिट्टी गीली रहेगी और ऊपर से धूप उसको लगेगी तो मिट्टी गीली होगी, और मिट्टी जब गीली होगी तो भाप बनेगी, जिस तरह गर्म पानी की भाप बनती है ना, उसी तरह भाप बनेगी तो जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये एक लॉजिकली बात है कि अगर आप गर्मी के दिनों में पौधों को पानी कम देंगे तो मिट्टी के अंदर जो भाप बननी है पानी ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं बनेगी, तो पौधे आपके सही रहेंगे, मतलब उसकी जड़ें गलेंगी नहीं। लेमन का पौधा भी ग्रो बैग के अंदर लंबा हो रहा है, नीचे से जो भी टहनी निकले उसको इजाज़त नहीं है कि वो नीचे से ग्रोथ करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ नीचे से ये पौधा एम्प्टी रहे और ऊपर जाकर ये काफ़ी हद तक बुशी अंदाज से ग्रोथ करे। पिछले दिन उसको फूल लगे थे, वो गिर गए थे, उसके अंदर से कुछ बन नहीं पाया, अब दोबारा से ये देखिए छोटे छोटे से फूल कलियाँ लग रही हैं, ये भी खिल जाएंगी, कुछ हमारी कलियाँ बड़ी होने के बाद में गिर जाती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने कम चांसेस होंगे कि उसको फ्रूट लगना है। ये बरसाती मौसम में हो सकता है कि उसको दोबारा से फूल लगें और दोबारा से इसके अंदर से कुछ फ्रूट बन जाए। बाकी जनाब, वीडियो को जितना भी लंबा करेंगे वो तो होती ही चली जाएगी, इसलिए इतनी अपडेट फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। बस दुआ कीजिए जल्दी हमारा फार्म हाउस का काम कंप्लीट हो जाए, वहाँ का बोरिंग का काम करवाना है, यानी ज़मीन के अंदर से पानी निकालना है हमने, बोर करवाना है, और भी बहुत सारे काम हैं अभी, तो जैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस गार्डन को ज़्यादातर मैं शिफ्ट कर दूंगा वहीं पर, फिर वहीं पर ज़्यादा वीडियोस आया करेंगी, वहीं पर आप मिलना चाहें तो मिल सकेंगे, वहीं पर कोई पौधा परचेज़ करना चाहें तो कर सकेंगे, होम डिलीवरी आपको चाहिए होगी वो भी आपको मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन पौधों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और इनकी शरारतें अभी थोड़ी देर के बाद शुरू हो ही जाएंगी। ये देखिए जैसा मैंने कहा था, ऐसी हालत में पौधे भला कैसे बच सकते हैं जब ये अपने हाथों से या फिर अपने पाँव से या फिर अपने नाखूनों से पौधे की टहनियों को तोड़ दें, तो गुस्सा भी आता है, इतनी मेहनत की होती है हमने, ज़ाया हो जाती है एक पल में। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब मैं चलता हूँ, अपना भरोसा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। मैं जानता हूँ तुम क्या करने के मूड में हो, आई मीन पोटी करने के मूड में हो, अभी अभी सोकर उठे हो।